सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, व्हाट्सएप के लिए कुछ इस तरह के डीपी कैसे बना सकते हो और इसे आप व्हाट्सएप में कैसे ऐड कर सकते हो, चलो सब कुछ बारीकी से सीखते हैं। तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस डीपी को बनाने के लिए गाइस आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल है। तो अगर आपने पिक्सल अब कोई इंस्टॉल नहीं कर रखे तो इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद गाइस इस एप्लीकेशन को फाइनली ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो गाइस इस पिक्सल को डिलीट कर देना था, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ उसी तरह इस न्यूटेस को डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। और उसके बाद यहाँ से आपको डीपी को बनाने के लिए गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी पे आपको क्लिक करना होगा, इसे इंस्टॉल करना होगा और यहाँ से फॉर्म गैलरी पे क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगा। तो गैलरी ओपन होने के बाद जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो आपको कुछ इस तरह के बैकग्राउंड की आवश्यकता पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ से फाइनली कुछ इस तरह के बैकग्राउंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, जो कि आप देख सकते हो गाइस। तो आपको ये बैकग्राउंड आपको कहाँ से मिलेगा मैं वीडियो के आगे बताऊँगा, तो वीडियो को आप अच्छा से देखते रहे। उसके बाद यहाँ पर आपको सही पर क्लिक कर देना है। तो गाइस इस बैकग्राउंड को आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही मतलब कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन को जैसे ही ओपन करोगे तो फर्स्ट नंबर पर लिंक मिल जाएगा कि बैकग्राउंड डाउनलोड लिंक, तो उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक जैसे ही करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है डाउनलोड लिंक, तो आपको इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने का उसे ओपन कर लेना, और ओपन करने का कुछ इस तरह से पिक्सल में इसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऐड करने के बाद इसमें आप अपना फोटो अपने नाम को कैसे ऐड करना है चलो सीख ही लेते हैं। तो इसे अपनी फोटो को ऐड करने के लिए साथ ही नाम को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से जो कि फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से गैलरी पुनः ओपन हो जाता है। और यहाँ से आप जिस भी फोटो को ऐड करना चाहते हो उस फोटो को फाइनली सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं फाइनली कुछ इस तरह के फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सही वाले आइकन पे क्लिक कर देना, कुछ इस तरह से यहाँ पे फोटो आ जाएगा। उसके बाद आप इस फोटो को आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, छोटे बड़े करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से अपनी फोटो को यहाँ पे लगा लेना है, जो कि कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे अपने नाम को ऐड कर लेना है। तो नाम को ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से फ्रॉम यहाँ से सॉरी टेक्स्ट को लेना है, इस टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आना है इस पे, और इसी पे आपको डबल टैप करना है। और डबल टैप करने के बाद इसे कट कर देना है, जो कि इस न्यू टेक्स्ट को। और यहाँ पे गाइस आपका जो भी नाम है यहाँ पे अपने नाम को फाइनली टाइप कर देना है, जो कि यहाँ पे मैंने अपने नाम को फाइनली यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ओके वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका भी नाम आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो कि ए वाले आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने हिसाब से कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद सही के लिए क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ से ए फॉन्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपने हिसाब से फॉन्ट को भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उस फॉन्ट को यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से ओके वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पे जो कि आप स्टॉक देना चाहो तो आप स्टॉक भी दे सकते हो, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो फाइनली यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड की आवश्यकता पड़ेगा। तो गाइस इस पे यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड है, इस पे क्लिक कर देना है और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद गाइस इसे कलर भी दे सकते हो, अगर आपको जो भी कलर पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे कलर बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ऊपर करना है, और ऊपर करने के बाद इसको सेलेक्ट को जो कि कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे पाँच कर लेना है। गाइस पाँच करने के बाद कुछ इस तरह के नीचे को भी पाँच कुछ इस तरह से चार कर लेना है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको इनेबल रहने देना है। उसके बाद सही वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे करना होगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इस साइज को यहाँ पे कुछ इस तरह से स्मॉल करके कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड करना होगा, जो कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनली कुछ इस तरह से साइज को कर लेना है, उसका सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है, और जो कि देख सकते हो गाइस ये जो है आपका फोटो लग के कुछ इस तरह के श्री कृष्ण जन्माष्टमी का लोगो बन चुका है। और इसे HD क्वालिटी में और PNG में सेव कर लेना है, जो कि सेव करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से जो कि आप PNG को यहाँ पे JPG मिलेगा तो आपको PNG कर लेना है, और यहाँ से डिफॉल्ट मिलेगा तो अल्ट्रा कर लेना है, जो कि यहाँ पे अल्ट्रा करने के बाद ये यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक करने के बाद ये पोस्टर आपकी गैलरी में जो कि इस तरह के लोगो DP आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद गाइस इसे आपको व्हाट्सअप में कैसे ऐड करना है, तो व्हाट्सअप में ऐड करने के लिए व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें ऐड व्हाट्सअप DP को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टेटस में चले जाना है, और यहाँ पे जो कि 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो कि सेटिंग में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ये जो है यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से गैलरी को सेलेक्ट करना है, और गैलरी को सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ से आप जो कि व्हाट्सअप डाउनलोड करोगे जो कि बना करके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे नहीं आता है तो गाइस आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो फाइनली मैं यहाँ से कुछ इस
तरह से बना रखा हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड हो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है, और डन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो कि यहाँ पे व्हाट्सअप डीपी लग के रेडी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल शो हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप व्हाट्सअप में भी लगा सको। तो आपने सीख लिए होंगे कि गाइज कैसे व्हाट्सअप डीपी को लगाया जाता है, साथ ही व्हाट्सअप डीपी कैसे बनाया जाता है। तो सब कुछ मैं ए टू जेड जानकारी दे ही दिया। इस व्हाट्सअप डीपी को वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और आप भी बना सकते हो। तो आपको वीडियो जरा सा भी पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए कुछ इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लाते रहता हूँ। तो और भी किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।